अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पार्क स्टडी यानी ज्योग्राफिया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है क्लास सिक्स का लेक्चर नंबर 4 है सब्जेक्ट ज्योग्राफिया। आज हमारा तफसीली सवाल का क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़े आजमों पर नोट लिखें। बुक का पेज नंबर 10 to 11 है। आइए हम देखते हैं बुक को। उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कल आपको आपके आपके कल वाले लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी जो मिलावी गर्दिश पड़ी थी मौसमों के बदलते हुए की है। आज हमारा जो है बड़े आजम है, यानी यहाँ पे हमारा टॉपिक लिखा है बड़े आजम और बह, यानी कि ये दो हैं कॉन्टिनेंट एंड ओकेजंस। हमने सिर्फ बड़े आजम बताने हैं। क्वेश्चन क्या, हमारे बड़े आजमों पर नोट लिखें, बड़े आजमों पर नोट लिखना है, बहर की नहीं है, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ बड़े आजमों को देखेंगे। कहते हैं हमारी ज़मीन की सतह का रकबा 510 मिलियन मरबा किलोमीटर है, जिसमें से तकरीबन 29% हिस्से पर खुश्की और 71% पर समुंदर वाक़िया है, ठीक है। फर्स्ट बड़े आज़म क्या है हमारे पास, बड़े आज़म क्या है, खुश्की का हिस्सा 7 बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल है जिन्हें बड़े आज़म कहते हैं। इनकी तफसील अगले सब आपने इसमें से क्या करना है, आपने करना है खुश्की का 7 बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल है जिन्हें बड़े आज़म कहते हैं, ठीक है। इतनी इसकी ये क्या है, तारीफ़ है बड़े आज़म की, यानी कॉन्टिनेंट्स की ये तारीफ है। आपने कहना खुश्की का हिस्सा 7 बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल है जिन्हें बड़े आज़म कहते हैं। फिर आपने नाम लिखने हैं, एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया क्या है, एशिया सबसे बड़ा बड़े आज़म है, इसके मशरक में बहरुल काहिल, मगरब में बड़े आज़म, यूरोप शुमाल में बहर शुमाल और जनूब में बहर हिंद वाक़िया है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने सही लाइन करनी है, ठीक है। ये तो आपने बताना है एशिया सबसे बड़ा बड़े आज़म है, इसके मशरक में बहरुल काहिल, मगरब में बड़े आज़म, यूरोप शुमाल में बहर शुमाली और जनूब में बहर हिंद वाक़िया है। नेक्स्ट हमारे पास अफ्रीका, ये दूसरा बड़ा बड़े आज़म है, इसके मशरक में बहर हिंद, मगरब में बहर कयनूस, शुमाल में एक छोटा समुंदर बहर रोम और जनूब में बहर जनूबी वाक़िया है। तीसरा है शुमाली अमरीका यानी नॉर्थ अमरीका, ये तीसरा बड़ा बड़े आज़म है, इसके मशरक में बहर कयनूस, मगरब में बहर काहिल, शुमाल में बहर शुमाली और जनूब में बड़े आज़म जनूबी वाक़िया है। जनूबी अमरीका यानी साउथ अमरीका, ये चौथा बड़ा बड़े आज़म है, इसके मशरक में बहर कयनूस, मगरब में बहर काहिल, शुमाल में बड़े आज़म, शुमाली अमरीका में जनूबी वाक़िया है। ये आपने सारा करना है, ठीक है। छोटी छोटी सी लाइंस हैं, ये इनकी डेफिनेशन है और ये बताया कौन से जनूब में कौन सा बहर काहिल, कौन से समुंदर यानी कौन से बड़े आज़म वाक़िया है ये बताने हैं आपने, ठीक है। अंटार्कटिका ये पांचवा बड़ा बड़े आज़म है, ये कुतुब जनूबी के इर्द गिर्द वाक़िया है। ये वाहिद बड़े आज़म है जो गैर आबाद है क्योंकि इसके आबो हवा इंतहाई सर्द है, ठीक है। क्या कहते हैं, ये वाहिद बड़ा आज़म है जो गैर आबाद है, जो कि गैर आबाद है, ठीक है, क्योंकि इसकी आबो हवा इंतहाई सर्द है। नेक्स्ट है यूरोप, ये छठा बड़ा बड़े आज़म है, इसके मशरक में एशिया, मगरब में बहर कयनूस, शुमाल में बहर शुमाली और जनूब में बहर रोम वाक़िया है। ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा बड़े आज़म है, इसके मशरक और शुमाल में बहर काहिल, मगरब और जनूब में बहर हिंद वाक़िया है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये था। अभी आप देखें मोस्टली कुछ कुछ वर्ड सब में मैच हैं, आपने क्या करना है इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आपने इसको याद करना है, लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी आपने मेरे से पूछ लेना है, ग्रुप में 9 to 11 ऑनलाइन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।